नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, कोविड-19 की रेस धीमी हो चुकी है, चाल उसकी धीमी हो चुकी है और हमारी जिंदगी की रेलगाड़ी अब पटरी पर आ चुकी है। धीरे धीरे कोरोना खत्म होता जा रहा है और जो आदतें हमें जो लॉकडाउन में पड़ी थी, यानी कि जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस पर जाना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है अब पहले जैसे ही वापस होती जा रही हैं। और ऐसा ही हुआ है हिसार में और पूरे हिंदुस्तान में भी। तो आज आपको लेकर के पहुंची हूँ अभिषेक मिश्रा क्लासेस के अंदर, क्योंकि बच्चे जो है काफी समय से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे ऑफलाइन क्लासेस पर भी आना शुरू हुए और लगभग अब इन्हें एक महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है दोबारा से ऑफलाइन मॉडल से पढ़ते हुए। तो अभिषेक मिश्रा क्लासेस में लेकर के पहुंची हूँ ये जानने के लिए कि आखिरकार लॉकडाउन के बाद जो स्टडी है ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन पे रिट्राइव करना कितना आसान रहा, कैसे जो है तैयारी की है, कितना कॉन्फिडेंस है बच्चों में, क्योंकि हमेशा देखा जाता था कि प्लस टू के एग्जाम जो है हमेशा फेब लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में कर दिए जाते हैं, मगर इस बार यही एग्जाम जो है अप्रैल तक आगे स्केड्यूल कर दिए गए हैं ताकि बच्चों की तैयारियां जो हैं बहुत अच्छे से हो जाएं। तो भाई, और फिलहाल मेरे पीछे जो बच्चे आप देख रहे हैं आईआईटी नीट के ये बच्चे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार कितनी तैयारी है इन बच्चों की, क्या तैयार हैं अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, कितना कॉन्फिडेंस है इनमें, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभिषेक मिश्रा क्लासेस में पढ़ने? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, मेरे सारे डाउट सर क्लियर करते हैं और सर लाइव इंटरेक्शंस भी रखते हैं। जैसे अब सर ने ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो इनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, तो उसी लिए सर ने अब जैसे लाइव इंटरेक्शन भी शुरू कर दिया है। पीटीएम भी ऑर्गेनाइज करते हैं सर, तो जिससे कोई डाउट्स रहते नहीं हैं, और कोई डाउट आता भी है तो हम सर को फ़ोन करके डाउट पूछ सकते हैं। और सर ने वीडियोस भी सारी दे रखी हैं जिनसे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। चलिए, मतलब कुल मिलाकर आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं? फुली सेटिस्फाइड हैं। जो और बच्चे हैं जिन्हें फिजिक्स की या आईआईटी की या नीट की तैयारी करनी है, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? कि मैंने कई जगह ट्रायल लिए थे लेकिन मुझे अभिषेक सर बेस्ट लगे, तो आप भी अभिषेक सर पर ही आए, वो बेस्ट हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई कंपटीशन जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है और बच्चों को जरूरत है अच्छी गाइडेंस की, अच्छी एजुकेशन सिस्टम की। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रेया है। श्रेया, आपके बताइए कितने मार्क्स आए? मेरे 98.6% आए। अरे बाप रे, मतलब ये इसके सपने के सपने में भी नहीं सोचे जा सकते। आप लोग लेते कैसे हैं इतने मार्क्स, कैसे पढ़ लेते हो उतना? बस कंसिस्टेंसी थी और अच्छे से टाइम टेबल बना के स्टडी किया था। अच्छा, उधर हो जाइए, पहले तो मुझे बैठ के बात करने दीजिए भाई, कहीं इतने मार्क्स उनके चक्कर ना आ जाए। मुझे बताइए कि इतने खुद आप पढ़ लेते हो तो फिर टीचर्स से पढ़ते क्या हो, टीचर्स के लिए क्या छोड़ते हो, मतलब क्या पढ़ाएं टीचर्स फिर आपको? सेल्फ स्टडी से एक हद तक मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन उसके आगे टीचर का सपोर्ट, उनके मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। और अभिषेक मिश्रा सर के यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं एंड स्पेशली हमारे सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। प्रैक्टिस पेपर्स भी बहुत सारे होते हैं एंड सब कुछ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सर सबको साथ में लेके चलते हैं एंड बिल्कुल जीरो लेवल से बेस्ट करा देते हैं। चलिए, अभी मुझे ये बताइए कि वैसे तो पूछने की जरूरत नहीं है तैयारी कैसी है, फिर भी क्योंकि आईआईटी नीट की रेस में जो है आप लोग दौड़ रहे हैं और यहाँ सभी टॉपर्स हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो इस कॉम्पिटिशन में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्या लगता है कि क्लियर कर पाएंगे आगे के आने वाले जो स्टेजेस होंगे उनको? हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं नीट क्लियर कर लूँगी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट अब, एंड बिकॉज सर इतना अच्छे से हम पे इनपुट्स डाल रहे हैं और हम भी उसको इतने अच्छे से ग्रैब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हो जाना चाहिए। चलिए, दैट्स ग्रेट। जी बच्चे, आपका क्या नाम है? बीच में आ जाइए थोड़ा सा। मेरा नाम अपूर्वा है। अपूर्वा, मुझे ये बताइए कि आप कब से पढ़ रहे हैं? एक साल हो गया। आपको भी एक साल हो गया है, कैसा रहा आपका एक साल का एक्सपीरियंस, कितना सेटिस्फाइंग था? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और जहाँ तक सर के पढ़ाने की बात है तो उनकी टीचिंग परफेक्ट है, मतलब उसमें सब कुछ होता है, असाइनमेंट्स और मतलब हर लेवल का पढ़ाते हैं, मतलब कुल मिलाकर एक, क्योंकि असाइनमेंट मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि किसी कोचिंग क्लासेस में जो है असाइनमेंट दिए जाते हैं या प्रॉपरली, क्योंकि हमेशा से स्कूल में ही असाइनमेंट्स हम तो करते आए हैं, ये अब नया ट्रेंड है या सिर्फ अभिषेक मिश्रा क्लासेस में ही ऐसा होता है? नहीं, मतलब स्टडी पैकेज पूरा इधर मिलता है, बाकी उसमें कुछ ना कुछ रह ही जाता है, इसमें हैंड रिटन नोट्स और असाइनमेंट सब कुछ, और सबसे बड़ी बात तो वीडियो लेक्चर्स हैं जो मैंने सिर्फ इधर ही देखा है। इधर वीडियो लेक्चर्स को तो कितना नया सीखने को मिलता है इन वीडियो लेक्चर्स में?
बहुत कुछ मैम, कि अगर हम मतलब इतना वास्ट सिलेबस है तो कुछ भूल भी जाएं तो उन वीडियोस को हम दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सर की खुद की ही रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एक बार एक टीचर से हम पढ़ रहे हैं और दोबारा अगर वही चीज़ किसी दूसरे टीचर से पूछे तो शायद समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर वही सेम बात सेम आवाज़ हमारे सामने रिपीट हो जाए तो माइंड जो है उसको बहुत जल्दी कैप्चर करता है, और इसे सबसे अच्छी बात है। जी क्या नाम है? मैम पुलकित। पुलकित, बिल्कुल मुझे ये बताइए कौन से स्कूल से आप पढ़े हैं? मैम मैं ड्रॉपर, मैंने प्लस टू मोगा देवी मिंडा मेमोरियल स्कूल से की है, जो बगला गांव में रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि ड्रॉपर हैं, तैयारी कर रहे हैं? यस मैम, नीट की। मैम नीट की तैयारी कर रहे हैं, कैसे ये तैयारी आपकी चल रही है, कितना कॉन्फिडेंट फील? मैम अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है, क्योंकि मैंने इसी साल अभिषेक मिश्रा क्लासेस ज्वाइन किया है, तो मुझे फिजिक्स मतलब बहुत इंप्रूवमेंट हुई है मैम। फिजिक्स में सर डेली लाइफ से एग्जांपल देके समझाते हैं, विजुअलाइज करवा के हमें पढ़ाते हैं मैम। वो तो कुल मिलाकर क्योंकि जो स्कूल आप बता रहे हैं वो जो है ग्रामीण अंचल में है, तो क्या अभी आप भी ग्रामीण अंचल से रहने वाले? यस मैम, मैम का मैं आदमपुर के पास काबरेल गाँव में रहता हूँ मैम। चलिए वो तो मतलब क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि शहर के बच्चों के पास तो फिर भी फैकल्टी जो है पहुँच जाती है, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। गाँव के बच्चों की अगर बात करें, क्योंकि कंपटीशन में फेस कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, जो गांव ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या यहां आकर के पढ़ना आसान है, समझना आसान है? लैंग्वेज कैसी है समझाने की? सर की लैंग्वेज बहुत बेस्ट है समझाने की, सर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, मतलब डिफरेंट मेथड से भी समझाते हैं, अगर एक बार समझ जाए तो बार बार पूछ के, और सर जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं तो उससे आप किसी मर्जी टाइम देख के आप अपनी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये हैं अभिषेक मिश्रा क्लासेस के बच्चे, वही बच्चे जो कि लगभग IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील भी कर रहे हैं, और यहाँ पर लेकर आने के पीछे मकसद ये था कि पटरी जो है हमारी जिंदगी की जो रेलगाड़ी है पटरी से नीचे उतर गई थी, वापस धीरे धीरे आ रही है, एजुकेशन का नया साल शुरू होने वाला है, नए बैचेस नई क्लासेस शुरू होने वाली हैं, और बच्चों के पास इस बात की जानकारी है नहीं कि कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, कैसे पढ़ें कैसे तैयारी करें आने वाले एग्जाम्स की। तो फिजिक्स के लिए आज मैं आपको लेकर के आई हूँ अभिषेक मिश्रा क्लासेस में, क्योंकि हिसार में काफ़ी अच्छा नाम रखती है क्लासेस और बच्चे भी काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं यहाँ करके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जहाँ पर फिजिक्स के बच्चों के लिए खासतौर से जो IIT नीट की तैयारियां कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, या फिर जो सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स तो चाहिए मगर तैयारी थोड़ी सी कम है, तो उन बच्चों के लिए ये जगह परफेक्ट है। है ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियोज का सिलसिला जारी रहेगा, लेकर के आती रहूंगी अलग अलग जानकारियां आपके लिए, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।